वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस दे नाल ही संयुक्त किसान मोर्चे वालों स्टेज की प्रबंधक कमेटी के वालों बेनती आ कि जिन्हें भी साह संगत बाहर खड़ी है, कृपा करके पंडाल दे विच बैठण की कृपालता की जाए, क्योंकि थोड़े ही समय दे विच जो अपने पंजाबी मशहूर कलाकार रविंदर गरेवाल जी वह भी साडे विचकार थोड़े समय विच पहुँचने वाले हैं। सो सारी ही साह संगत को बेनती है कि पंडाल दे विच बैठण की कृपालता की जाए। तो हुण मैं बेनती करांगा गुरप्रीत सिंह लाली हुणा नूं कि वह मंच ते आके अपना संबोधन करन, ते उस दे बाद दलवीर सिंह कलेर उन्हां नूं बेनती करांगा वह भी एक दो मिनट लई तैयार रहन। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला जिन्नियां भी पंडाल दे विच संगतां बैठियां ने सब दे चरणां दे विच दास दा मत्था टेकना प्रवान करो जी। सारयां नूं प्यार ते सत्कार भरी जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय भीम, जय भारत। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। 1433 की माघ सुधी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, के जिन्हां कौमां दे खून दलेर हुंदे, जिन्हां कौमां दे खून दलेर हुंदे, तख्त उही जालमां दे हलाउंदियां ने। जिन्हां कौमां दे खून दलेर हुंदे, तख्त उही जालमां दे हलाउंदियां ने, उही जुल्मां दे हौसले पस्त करदियां, जिहड़ियां दुखां विच भी खुशियां मनाउंदियां ने, जिहड़ियां दुखां विच भी खुशियां मनाउंदियां ने। अज असीं दुखां दी घड़ी दे विच भी परम पिता परमात्मा साहिबे कमाल गरीब निवाज धन धन क्रांतिकारी गुरु साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी का 644वां प्रकाश पुरब अज संयुक्त किसान मोर्चा की इस मंच के उत्तों जो इंटरनेशनल मंच है इस दे उत्ते मना रहे हैं। और सारयां नूं ही जिनी भी संगत देशों विदेशों के विच बैठी है, जिनी रविदासिया कम्यूनिटी देशों विदेशों के विच और इस किसान मोर्चे के विच बैठी है, सब नूं दास वलों और सतगुरु रविदास धर्म समाज सरतस रजिस्टर्ड पंजाब वलों कोटन कोट मुबारकबाद होवे जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असीं सन्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इत्थे बैठे हैं, तो मैं जिक्र करना चाहुंदा साहिबे कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी ने कि ये जिहड़ी लड़ाई तुसीं अज लड़ रहे हो, ये 600 साल पहला ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने आरंभ कर दित्ती सी। जिहड़ी अन्न की लड़ाई अज आपां सारे मिल के लड़ रहे हैं, उहदी जिहड़ी उह लड़ाई जिहड़ी है वह सतगुरु रविदास महाराज जी पहला ही आरंभ करके गए हैं। अपनी बाणी विच लिख के गए हैं कि ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे परसन। कि मैं एक एहो जे राज दे संकल्प लैना, एहो जे राज चाहना कि जिथे सारयां नूं अन्न मिले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असी सारे रल के उस अन्न की लड़ाई लड़नी लड़ रहे हैं। और मैं गल सन्मान की भी करांगा कि सरतस दे कोलों जदों स्टेज आई तां उस तों पहला बहुत सारे बुलारे जो कि संबोधन करके गए हैं, देशों विदेशों के विच बैठी संगत रविदासिया कौम रविदासिया कम्यूनिटी, मैनू अलग अलग जगह तो अलग अलग देशों के विचों कंट्रियां चो फोन आने शुरू हुए कि जिहड़ा स्टेज के उत्ते सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब अज तुसीं मना रहे हो, तो बहुत ही खुशी वाली गल है। पर मैं एक गल होर इत्थे करनी चाहुंदा कि जो भी साढ़े वीर संबोधन करके गए है वह कह रहे हैं कि भगत गुरु रविदास महाराज जी, माफ करना लेकिन मैं एक गल इत्थे तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा कि एक पासे आपां इह गल कहने आ कि गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जदों आपां इन्नी गल कहने आ तां फिर असीं इह क्यों भुल जाने आ कि जिन्हें भी उहदे विच संतां महापुरशां की महान रहिबरां की बाणी है वह सारे ही गुरु ने। साडा हंकार, मैं एक गल होर सांझी करनी चाहुंदा कि अज एक टुच्चा जिहा राजा चाह वेचण वाला वो राज कर रहा,
एक टुटिया जिहा राजा राज कर रहा है तो उसने सानू लिया के सड़कां ते बिठा दिता। पर सतगुरु रविदास महाराज जी की सेवा दे विच 52 राजे होए सी और सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने विचारां दे नाल उन्हां राजिआं नूं अपने चरणां दे विच झुकाया सी और उन्हां राजिआं दे कोलों सन्मान लिया सी। ते मैं यह बेनती करदा सारे ही कि सिख भाईचारे नूं कि सिख भाईचारा असीं भी सिख ही हाँ, रविदासिया कौम भी तुहाडे नाल है और मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के हमेशा चलती है, चलती आई है और चलती रहेगी। लेकिन जे गल सन्मान की करिए, जे साडे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी का सन्मान नहीं होएगा तो साडे दिलों के बहुत ज़्यादा इस गल का रोस होंदा और साडे हिरदिआं नूं ठेस भी पहुँचती है। इस करके आपां सब ने बड़े प्रेम प्यार का सबूत देना, यह जिहड़ा एका आ इस एके नूं बनाई रखना, क्योंकि RSS चालां चल रही है, सरकार चालां चल रही है कि किसी तरह इन्हां नूं पाड़िया जाए, किसी तरह इन्हां नूं वंडिया जाए। तो मैं इत्थे जिन्ने भी बुलारे बोलते हैं इस इंटरनेशनल मंच के उत्तों एक बेनती करनी चाहना कि जदों भी कोई गल करते हैं तो सोच समझ के की जाए, बड़े ही सत्कार के नाल की जाए, ता जो यह भाईचारा साडा इदां ही बनिया रहे। और मैं काले कानून जिहड़े सरकार ने लागू किए हैं वह लागू उन्हां वास्ते ही है, साडे वास्ते हजे लागू नहीं होए क्योंकि असीं मन्ने नहीं है। तो सरकार नूं असीं अपील करते हैं कि वह जिहड़े काले कानून है उन्हां नूं वापस लैण। और मैं दो बुलारियां दे दो जकारियां दे नाल अपने शब्दों नूं विराम देना है। आओ गज के फतेह बुलंद करते हैं, बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास महाराज की जय, बोले सो निहाल सात श्री अकाल। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भाईचारक सान जिंदाबाद, भाईचारक सान जिंदाबाद। एक बार फिर तो सतगुरु रविदास धर्म समाज सरतस पंजाब वालों सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।